आप सबका स्वागत है बस तो पंक्ति की कहानियों में। आज की कहानी मैं निमित अपनी दोस्त नेहा के साथ विस्तार से सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं ये कहानी बस तो पंक्तियों के साथ। आज बस तो पंक्ति में मैं निमित आपसे एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता है, ईविल डेड। लेकिन हम मूवी को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दिस मूवी हैज ऑलरेडी अटेन्ड अ कल्ट स्टेटस। पहले 1981 में बनी और फिर उसके सीक्वल्स और रीमेक्स बनते ही गए, पर 1981 में रिलीज की गई ईविल डेड आज भी हॉरर फिल्म मेकिंग में एक लैंडमार्क माना जाता है। कैसे कुछ दोस्त जंगल में फंस जाते हैं और कैसे अनजाने में एक केबिन के बेसमेंट में सोई हुई आत्मा को जगा देते हैं। इस मूवी का प्रेमिस उस केबिन को कभी नहीं छोड़ता और उसी केबिन के इतिहास के बारे में बात करेगी मेरी दोस्त नेहा। हॉरर मूवीज को लेकर मैं हमेशा से ना क्यूरियस रही हूँ, उसकी मेकिंग से लेकर हाउ दे स्काउट फॉर लोकेशंस, बस यही कह लो कि मैं हमेशा से उसका प्रोसेस जो है उसको लेकर बड़ी क्यूरियस रही हूँ। और एक बात ना आप जरूर नोटिस करना कि जब भी किसी हॉरर मूवी की शूटिंग रुकती है एंड वंस दे आर डन विद एवरीथिंग, एवरीवन टॉक्स अबाउट कि कैसे उनको लगा कि उनका लोकेशन जो है वो हॉन्टेड है। अब ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है, बट यू नो व्हाट, आई वुड स्टिल लाइक टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू द पैरानॉर्मल। और अभी रिसेंटली एक ब्लॉग पढ़ते पढ़ते मुझे ये मालूम हुआ कि उस केबिन में कई सालों पहले तीन लोग रहते थे, एक छोटी सी लड़की, उसकी दादी और उसकी माँ। और एक रात बड़ा ही भयंकर तूफान आया। आप सोच सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म्स अगर ऐसे घने जंगलों में हो जैसे जंगल ईविल डेड में दिखाए हैं तो डरावने तो लगते ही हैं। पेड़ों की हवा की वजह से एक दूसरे से टकराना, वो हवा की आवाज, बिजली का कड़कना, तो शायद उसी वजह से उस छोटी सी लड़की को डर लग गया और वो दौड़ के अपनी माँ के बेड पर जाके उनके साथ लेट गई। तब उसे पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है। वो छोटी सी लड़की और डर गई और वो भाग कर अपनी दादी के कमरे में जा पहुंची। देखा तो दादी भी जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि उनकी भी मौत हो चुकी थी। वो लड़की हिम्मत करके जंगल में भाग कर किसी और फार्म हाउस पर जा पहुंची और उस दिन के बाद किसी ने उस घर को ना खरीदने की कोशिश की ना वहां रहने की। कहा जाता है कि वो लड़की जो आज बूढ़ी हो चुकी है वो कभी कभी जंगलों में दिख जाती है। इस केबिन तक पहुंचने के लिए आज भी कोई पक्की सड़क नहीं बनी, कोई जीपीएस डायरेक्शंस भी नहीं है। पहले तो सब यही मानते थे कि केबिन पर बिजली गिरी और वो जल गया था, पर उसकी ब्रिक चिमनी बच गई। लेकिन डायरेक्टर सैम रीमी ने हाल ही में बताया कि उन्होंने उस जगह को आग लगा दी थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रिंसिपल शूटिंग के बाद ईविल डेड के क्रू ने एक टाइम कैप्सूल पैकेज बनाकर उसी फायरप्लेस में छुपा दिया है, लाइक अ मेमेंटो। पूरा केबिन तो नष्ट हो गया लेकिन वो फायरप्लेस और चिमनी आज भी वैसे के वैसे ही है और वो टाइम कैप्सूल किसी को नहीं मिला।